रेफे में मुलायम सिंह यादव के सांसद पोते, तेज प्रताप सिंह यादव के तिलक में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालू और मुलायम ने मिलकर किया स्वागत। तिलक समारोह में लालू ने दिखाई गर्मजोशी, पहले पीएम से मिलाया हाथ फिर गले भी लगाया। मुलायम और लालू के बीच बैठे थे मोदी। तिलक समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई दिग्गजों के पहुंचने की उम्मीद, कई नामी उद्योगपतियों के साथ अमिताभ बच्चन को भी न्योता। सैफई में तिलक समारोह के लिए जमकर की गई है तैयारी, मेहमानों के स्वागत में मशहूर गायक अदनान सामी की गूंजी सुरीली आवाज। मुलायम के पोते तेज प्रताप की 26 फरवरी को लालू यादव की बेटी राजलक्ष्मी के साथ है दिल्ली में शादी। पेट्रोलियम मंत्रालय जासूसी कांड पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और उसकी जांच हो रही है और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो भी दोषी हैं वो बक्से नहीं जाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा दिल्ली पुलिस कर रही है मामले की जांच, जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा लंबे समय से चल रहा था जासूसी का खेल, अगर सरकार सचेत नहीं होती तो नहीं होता खुलासा। मैं समझता हूं कि इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि कम से कम जो लंबे समय से ये चल रहा था इसका खुलासा तो किया है हमारी सरकार ने। पेट्रोलियम मंत्रालय जासूसी कांड में आरोपियों से पूछताछ में तीन और नामों का खुलासा, आज 5 आरोपियों की कोर्ट में होगी पेशी। जासूसी कांड में गिरफ्तार 2 आरोपियों प्रयास जैन और शांतनु से चाणक्यपुरी क्राइम ब्रांच दफ्तर में हुई पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक 50,000 से 1,00,000 में बेचते थे दस्तावेज। जासूसी कांड में दिल्ली पुलिस ने बरामद की कुछ अहम डायरियां, आरोपियों के फोन कॉल डिटेल्स खंगालने में जुटी पुलिस। पेट्रोलियम मंत्रालय जासूसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को दी बधाई, ट्विटर पर लिखा पुलिस को अब उन बड़े लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें दस्तावेज से फायदा होता है। के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर बीजेपी और पीडीपी के बीच बातचीत लगभग तय, अगले 4 से 5 दिनों में पीएम मोदी से मिल सकते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों के बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर हुई बातचीत, अफसा को छोड़ बाकी सभी मुद्दों पर सहमति। जम्मू कश्मीर के बारामूला में चल रहे एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, एक घर में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुबह से ही जारी है मुठभेड़, सेना ने पुलिस के साथ मिलकर पूरे इलाके की घेराबंदी की। पाक बोट में धमाके का पहला वीडियो सामने आने के बाद भी सच कोसों दूर, ब्लास्ट पर सरकार से अलग बयान देने वाले डीआईजी लोशाली के खिलाफ होगी जांच। इस्तीफे के बाद जीतन राम मांझी का पहला इंटरव्यू, आज तक से खास बातचीत में कहा नीतीश से कोई नीति दुश्मनी नहीं, शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल।
नीतीश यहाँ पर सुधार लीजिए, नीतीश कुमार से व्यक्तिगत हमारी कोई झगड़ा नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी झगड़ा नहीं है। बिहार विधानसभा के स्पीकर उदय नारायण चौधरी का मांझी पर पलटवार, कहा अगर मांझी ने मेरे कारण इस्तीफा दिया तो मैं खुश हूं। जो पीसी हो रहा था उसके द्वारा जो मैं सुना, जिसमें पूर्ण रूप से अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाई गई और कहा गया कि अध्यक्ष के कारण ही उन्होंने त्याग पत्र दिया, तो मैं इस मामले में अपने आप को खुश नसीब समझता हूं। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर बनेंगे सीएम, 22 फरवरी को राजभवन में शाम 5 बजे लेंगे शपथ। राज्यपाल से मुलाकात के बाद नीतीश ने शपथ की तारीख का किया ऐलान। हमलावरों की गोलीबारी में घायल लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे का मुंबई में इलाज के दौरान मौत। 16 फरवरी को कोल्हापुर में पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले पानसरे को बाइक सवारों ने मार दी थी गोली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस और एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने अस्पताल पहुंचकर पानसरे को दी श्रद्धांजलि। आज कोल्हापुर में किया जाएगा अंतिम संस्कार। शरद पवार ने पानसरे के जमकर हुआ हंगामा, आपके विधायक संजीव झा और अखिलेश त्रिपाठी समेत दर्जनों समर्थकों पर मामला दर्ज। आप विधायक संजीव झा के थाने के अंदर गाड़ी लेकर घुसने पर हुआ विवाद, संतरे ने रोका तो आप नेता और कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, थामने पर जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता। संतरे पर मामला दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे कार्यकर्ता। एक और आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी भी आए समर्थन में, देर रात पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कार्यकर्ताओं पर पुलिस का पथराव, कई पुलिसकर्मियों को आई चोटें, कई प्रदर्शनकर्मी भी हुए घायल। दंगा भड़काने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मामला किया दर्ज। किसानों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गुड़गांव से सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के घर पहुंचेंगे योगेंद्र यादव, किसानों का नमक राव इंद्रजीत को सौंपेंगे। यूपी के झांसी में बरुआ सागर थाने के दारोगा ने शराब के नशे में घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म की कोशिश की, एसपी से शिकायत के बाद आरोपी निलंबित। दिल्ली के शाहदरा में 14 साल की छात्र की 30 लाख रुपए फिरौती न मिलने पर हत्या, खेलते वक्त घर के पास से कर लिया गया था अपहरण, 2 गिरफ्तार। लुधियाना में गुंडागर्दी की हैरान कर देने वाली तस्वीरें, दर्जन भर बदमाशों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को तेज धार हथियार और डंडों से पीटा, दुकानदार को मरा समझकर चले गए बदमाश, बाद में परिवार ने पहुंचाया अस्पताल। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार डीएनडी टोल के पास एक विदेशी लड़की को चलती कार से फेंका गया, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में कराई गई भर्ती, गैंग रेप का मामला दर्ज, 4 गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के खतौली में एक वार्ड सभासद की गोली मारकर हत्या, फरार हमलावरों का नहीं कोई सुराग, घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने शव को सड़क के बीच रखकर लगाया लंबा जाम। वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की करारी हार, क्राइस्टचर्च में हुए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 150 रनों से दी मात। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए रखा था 311 का लक्ष्य, पाकिस्तान की पूरी टीम 49 ओवर में 160 रन पर ढेर। कल मेलबर्न में वर्ल्ड कप के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया का दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला, मैच से पहले विराट कोहली ने कहा दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर। एबी डिविलियर्स को लेकर पूछे सवाल पर बोले सुरेश रायना, कहा डिविलियर्स वर्ल्ड क्लास प्लेयर, हमारे गेंदबाजों के सामने होगी चुनौती। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले की भविष्यवाणी, टीम इंडिया सेमीफाइनल में बना सकती है जगह, पाक को हराने के बाद टीम का हौसला बुलंद। दुबई की गगनचुंबी इमारत द टॉर्च में आग लगने से अफरा तफरी, इमारत में रह रहे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
330 मीटर ऊंचाई का 79 मंजिला इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में सर्दी ने तोड़ा 65 साल का रिकॉर्ड। हडसन नदी का पानी जमा, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल। बोस्टन में भारी बर्फबारी के बाद कई घरों की छतें भी ढही। अब तक करीब 119 इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर। चीन में नए साल के जश्न में झूमे लोग, जमकर हुआ लॉन डांस। चीन की प्राचीन संस्कृति से जुड़ा है लॉन डांस। हम 观众给啊帮他捏把汗，没事。